हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आयुष, मेडिकल स्टूडेंट, एंड आज हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स फॉर नीट 2022। क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड करा था, उस वीडियो में हम लोग ने 80 डेज का एक बहुत अच्छा मस्त प्लान बनाया है कि कैसे हम लोग नीट 2022 को क्रैक फोड़ सकते हैं 80 डेज के अंदर। एंड ये वाला जो वीडियो है, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक वीडियो के अंदर ये डिटेल बताना वो इम्पॉसिबल टाइप का चीज़ है, तो मैं इस वीडियो के अंदर फिजिक्स के बारे में एक डिटेल स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ कि फिजिक्स को तुम कैसे फोड़ सकते हो। क्योंकि जो तुम्हारा जंग होने वाला है, तुम्हारा नीट का जो एग्जाम होने वाला है, वो 17 जुलाई को होने वाला है। एंड उसमें जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है वो फिजिक्स ही होगा। जो 99% मेडिकल स्टूडेंट का होता है वो फिजिक्स होता है, तुम्हारा एनिमी होता है। अगर तुमको इस जंग के अंदर विक्ट्री पाना है ना, इस जंग के तुमको अगर विक्ट्री पाना है, देन तुमको एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, तभी तुम जाके इस वॉर को जीत पाओगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग वही स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जिससे हमारा नीट 2022 बहुत स्मूथली क्रैक हो जाए इस ईयर। तो चलो बात करते हैं डिटेल। उससे पहले तुम वीडियो को क्या करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस वीडियो चैनल पर मैं और भी ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आऊंगा नीट 2022, नीट 2023 मेडिकल ब्लॉग्स। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स में, अब फिजिक्स में लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग दो सेक्शन में क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारा 35 क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी में हमारा 15 क्वेश्चन होता है। एंड इसमें क्योंकि ऑप्शन होता है 10 क्वेश्चन ही बनाने का, सो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन तुमको आ रहा है, बस क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे अपना स्ट्रैटेजी नहीं बना पाता, वो हर क्वेश्चन को ट्राई करता है, हर को सेम टाइम देता है। उतना नहीं करना है, तुमको टॉपर नहीं बनना है, ठीक है ना। अगर तुम टॉपर हो तब तुम वो चीज़ काम करो। सबसे पहले तुम जो भी आसान क्वेश्चन होता उनको बनाया करो, मार्क द ईजिएस्ट क्वेश्चन जो तुमको इजी लग रहा है, खास करके सेक्शन बी में। इसमें तो ढूंढ लो कि 10 तुमको कौन कौन आ रहा है, 5 कौन कौन पहले आ रहा है, उसको सॉल्व करो, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा इशू होने वाला है एग्जाम में। सो तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि अब तुमको डिटेल में बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि देखो अभी 80 तुम अगर सिलेक्शन पाना चाहते हो, देन तुम्हारा फिजिक्स में एटलीस्ट 110 प्लस होना चाहिए अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो। अगर 110 प्लस पे तभी होगा जब तुम्हारा केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत अच्छा है। तो अगर मिनिमम 100 प्लस मार्क्स पे तुम लाना चाहते हो ना फिजिक्स में, तो तुमको वहां पे सब कुछ नहीं पढ़ना, तुमको सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, इस चीज का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि इस वॉर में अगर तुमको जीतना है, देन यू मस्ट हैव अ गुड स्ट्रैटेजी। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है जिसको तुमको सब पहले पढ़ना है। उसके बाद तुम जब इंपॉर्टेंट एक बार ही पढ़ लोगे, देन दूसरा टॉपिक पढ़ना, बट इंपॉर्टेंट तुम्हें करके ही जाना है अगर तुम 100 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो। ओके, सो 12th क्लास अगर हम लोग स्टार्ट करें, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा 12th क्लास में है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत क्वेश्चन आता है, सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाओ, क्वेश्चन इससे आना ही है, 4-5, 3-4 तो फिक्स रहता है मॉडर्न फिजिक्स। सो मॉडर्न फिजिक्स एकदम मस्ट टॉपिक है। देन लॉजिक गेट, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, लॉजिक गेट, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तुम इन सारे टॉपिक का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं बोल रहा हूँ, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है दोनों इसमें इंक्लूड है। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, खास करके इंस्ट्रूमेंट, इसलिए मैंने कलर चेंज कराया, जैसे कि एमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सब चीज़ को, मीटर ब्रिज, ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से करना है। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो मैग्नेटिज्म इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, इसमें मैंने देखो तुम देखोगे ध्यान से, तो इसमें मैंने उन्हीं टॉपिक को रखा जो आसान है, जो बहुत इजीली समझे जा सकते हैं। मैंने बहुत टफ टॉपिक्स को इसमें नहीं डाले हैं, जैसे कि एसी करंट वगैरह, ये सब चीज को, क्योंकि वो टफ में टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैग्नेटिज्म मैटर को तुम पढ़ के जाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 से। हमारे क्लास 11 से ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है वेक्टर। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर नहीं पढ़ोगे तो हर जगह दिक्कत होगा, इसलिए वेक्टर पढ़ के जाना है। उसके बाद से तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तुम जो बेसिक मैथ होता है, मैंने एक ही चीज यहां पे लिखना भूल गया हूं, बेसिक मैथ कर लेना, क्योंकि बेसिक मैथ से तुमको फिजिक्स सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, और सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट वाले से ये सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यूनिट एंड डायमेंशन पूरा करना है इसमें तुमको, हर एक चीज़, जितना भी चीज़ है इसमें भी, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, स्क्रू गेज, ये सब तुमको पढ़ के जाना, ठीक। उसके बाद हीट वाला यूनिट पढ़ना है। हीट वाला यूनिट मैं क्यों जोर दे रहा हूँ हीट वाले यूनिट पे, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, वो तुम्हें केमिस्ट्री में काम आएगा। सो तुम ये चीज़ पढ़ के जाना। फिर तुम्हें वेव्स पढ़ना है, वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड वेव, जिसमें डॉपलर इफेक्ट है,
वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव्स करो। एनएलएम क्या है कि एनएलएम में बस एक सिंपल फॉर्मूला वगैरह देख लो, टू बॉडी डायग्राम कैसे करते हैं उसका मतलब कि जो भी है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी। तुमको FBD बनाना सीख लेना कहीं से यूट्यूब से, और एक्सेलरेशन वगैरह कैसे निकालते हैं उसे, उसके साथ सम फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन वगैरह का कुछ फॉर्मूला, ज़्यादा डिटेल नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज करता है हाइट पे डेप्थ पे, कुछ रिलेशन वगैरह ये कर लेना है। सो इतना चीज़ करना, अगर इतना हो जाए फिर तुमको क्या कि हर चैप्टर का थोड़ा बहुत फॉर्मूला देखना, ताकि आसान क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओ। इतना करने के बाद अगर तुम्हारे टाइम बचता है तो तुम पूरा सिलेबस करो, बट इतना पहले करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए कि हमें ये सब चीज़ करना है फिजिक्स में। उसके बाद से तुम्हें क्या करना है, मतलब कि अब तुमको बहुत सारा ये सब टॉपिक में PhD नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है कि नोट्स को रिविजन करना है, जो भी नोट्स अपना बनाया था उसको रिवाइज करो, मॉड्यूल्स है उसको रिवाइज करो, फॉर्मूला बुकलेट को रिवाइज करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे वही काम आएगा, नहीं है तो बनाते चलो ये सब सारे टॉपिक के फॉर्मूला बुकलेट। और फिर PYQ मेरे टेलीग्राम पे ये सब मिल जाएगा, फॉर्मूला बुकलेट वगैरह उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 10 ईयर के लगाओ हर टॉपिक के, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन करना, इतना ही करो। अब मॉक टेस्ट दोगे फिजिक्स में तो उसमें क्या ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट में तुम्हें सिली मिस्टेक नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक को कैसे मिनिमाइज करें, एंड जो टाइम मैनेजमेंट होता है उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि तुम्हें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सिली मिस्टेक और टाइम मैनेजमेंट पर हर मॉक टेस्ट में तुम फोकस करते चलो। अब मॉक टेस्ट कैसे देना इस पर एक सेपरेट वीडियो रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर दो वीडियो को, बाय।